बागेश्वर में ऑनलाइन सट्टे के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 23,000 की नकदी तथा 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। कोतवाली में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि चौक बाजार निवासी हेमकांड पाल, नुमाइश खेत निवासी अमित बाल्मीकि तथा नेपाली मूल के विनोद सिंह को ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि सट्टा किंग नाम का मोबाइल ऐप है, जिसके जरिए यह लोग भोले भाले लोगों को सट्टा लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। नगर क्षेत्र में बीते लंबे समय से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सट्टा चलाने वाले महानगरों में बैठे हैं, उन तक भी पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। तीनों आरोपियों को जुआ अधिनियम व आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, हमारे बागेश्वर में ये कई जगहों से लगातार पब्लिक की शिकायत आ रही थी कि लोहे नए नए लड़के वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और जुआ खेल रहे हैं, इस तरह की जो है शिकायतें आ रही थी। तो इसी क्रम में हमारा जो सर्विलेंस है और SOG और कोतवाली पुलिस, इन लोगों ने जो है कल काफ़ी प्रयास किया। तो इनको जो नुमाइश खेत है हमारा, वहाँ पर काफ़ी लड़के इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ पर जब हमने ट्रेस किया तो वहाँ हमें 3 लोग ऐसे मिले जो ऑनलाइन सट्टा खेल रहे थे, और सट्टा किंग करके एक साइट है जिसका वो यूज़ कर रहे थे। और जब उनसे पूछताछ करी, सख्ती से जानकारी करी गई, तो उन्होंने सारा मैटर बताया कि जो है यहाँ पर वो और भी करीब 50-60 लोगों को जो है उन्होंने अपना एक तरह से वो बना रखा है, क्लाइंट बना रखा है, और वो उनसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेते हैं और नंबरों में पैसे लगाते हैं, और जब ये नंबर ओपन हो जाते हैं तो फिर उनके पैसे उनके नगद या अकाउंट में दे दिए जाते हैं। अभी फ़िलहाल हमने इसमें 3 लोग जो हमें मिले हैं, उनके हमने मोबाइल भी बरामद किए हैं, उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, और जो फर्दर और लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी हम तलाश रहे हैं। और इस तरह के जो है जुए की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। बाकी लोगों के लिए भी यही नसीहत है हम सबकी, और इस पर जो है हमारे प्रभारी निरीक्षक इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। IT एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट के तहत हमने इसमें मुकदमा रजिस्टर करके 3 लोगों को, इनके पास से हमें लगभग 23,000 रुपये से अधिक धनराशि भी मिली है जो इन्होंने लोगों से इकट्ठी कर रखी थी, और इनको अब न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले भी इनका कोई ऐसा क्राइम में रिकॉर्ड रहा है क्या? नहीं, अभी तक ऐसा क्राइम का तो नहीं अभी पता लगा, लेकिन ये बता रहे काफ़ी समय से पिछले जो है ये यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, इस सट्टा किंग साइट को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और लोगों को इन्होंने जोड़ने में भी कुछ हद तक सफल हुए हैं, और हम चाहेंगे कि ये पूरी तरह से समाप्त हो, और जो दूसरे जिलों में भी जो लोग जुड़े हैं हम संबंधित पुलिस को वहाँ की भी ये सूचनाएँ देंगे। ये लगभग इन्होंने के अभी तक पूछताछ या जानकारी के हिसाब से लगभग 50-60 लोग हो सकते हैं हमारे ज़िले के, जो इनको हम अभी और फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और वो कितना इन्वॉल्वमेंट है एक्चुअल में, उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, जनरली जब क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे IPL होता है, उस समय भी इस तरह के लोग एक्टिव रहते हैं, कि ये भी इसी तरह से संबंधित? नहीं, ये देखिए, ये अलग तरह का जुए का तरीका था, जैसे पुराने समय में लॉटरियाँ होती थी, उसी तरह से इन्होंने ई लॉटरी जैसा एक तरह का सिस्टम डेवलप किया है, और इसका जो साइट का नाम है सट्टा किंग करके इन्होंने बताया जो है साइट है, जिसमें ये लगा रहे हैं लीगल तरीके से पैसा, और इसके बारे में फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो भी और जो लोग इससे जुड़े होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे आगरा दिल्ली मुंबई में जो लोग बैठे हैं, उन तक भी पहुँचने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, हमने अब इसका चेन हमने डेवलप करी है, तो हम फर्दर कोशिश करेंगे जितने लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में हैं, जो हमारे केस से रिलेटेड है, उनके हम कार्रवाई करेंगे, और जो फर्दर हमें जानकारी मिल रही है तो संबंधित जिलों की या प्रदेशों की पुलिस को भी हम इसमें इन्वॉल्व करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।